सो ही हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल बुक का लास्ट पोयम, दैट इज फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 11 की कोई भी वीडियोस देखनी है, हॉर्नबिल बुक का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से फादर टू सन तक, या फिर स्नैपशॉट बुक का समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लेके टेल ऑफ मेलन सिटी तक, मैंने पूरा सिलेबस कवर करा रखा है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के फॉर्म में। तो अगर आपको उसे देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, अलॉन्ग विथ नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार प्लीज आप उसे चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट पसंद आए तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर देना। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। तो ये जो हमारा पोयम है फादर टू सन, वो एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो आइए हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इस पोयम का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन अ सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। तो इस पैराग्राफ में जो फादर होते हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, हम इतने सालों से एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मतलब कि उसकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, उसको क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है, उसकी स्किल्स क्या क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इस तरीके से फादर कहते हैं कि वो अपने बेटे को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब यूजुअली क्या होता है, अगर कोई भी इतने सालों से एक साथ रह रहा है तो उन दोनों के बीच में काफी अच्छा कनेक्शन बन जाता है, उन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। बट यहाँ सीन थोड़ा डिफरेंट है, एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद यहाँ पर एक फादर को अपने बच्चे के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, और फिर वो चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो वापस वैसा ही हो जाए जैसा बचपन में था, क्योंकि बचपन में फादर एंड सन के बीच काफी अच्छा बॉन्ड होती है जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो फादर कहते हैं कि काश हमारी बॉन्डिंग पहली जैसी ही हो जाती। अब सेकंड स्टैंजा में ये लिखा हुआ है, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, साइलेंस सराउंड्स अस। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो हमसे कहना चाहती है कि जो फादर है वो ये चाहता है कि उनका जो चाइल्ड है वो उनकी बातों को माने, एंड उनका जो बच्चा है वो वैसा ही बने जैसा उनके जो फादर है वो चाहते हैं। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने जो सीड लगाया था, जो मैंने सीड सो किया था, मतलब कि बोया था, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी वैसा ही बनेगा जैसा मैं चाहता हूँ। बट अब उन्हें ये लगता है कि जो सीड उन्होंने बोया है, जो सीड उन्होंने वहाँ पर डाला है, वो अब वैसा बनेगा जैसा वो चाहता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो फादर है और उनका सन है वो दोनों एक स्ट्रेंजर्स के जैसे बात करते हैं, एंड उनके बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नाम का चीज नहीं है। पिछले इतने सालों से रहने के बावजूद जब वो लोग बात करते हैं तो उनके बातचीत से ऐसा लगता है कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। इसके बाद कहा गया है कि जो चाइल्ड है उन्हें बड़ा तो उनके फादर ने ही किया है, वो अपने पिता के साथ ही रह के बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके फादर को ये नहीं मालूम होता है कि उनके बच्चे को, उनके बेटे को क्या पसंद है और क्या नहीं। एंड जब ये दोनों साथ होते हैं, मतलब कि फादर और सन एक साथ होते हैं, तो एक साइलेंस का माहौल होता है, कोई भी एक दूसरे से बात उतना नहीं करता है। एंड इसके बाद जो अगला स्टैंजा है वो है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। तो इसमें जो फादर है वो कहते हैं कि वो अपने सन को एक प्रोडिगल बनने देंगे। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्सेसिव खर्चा करने वाला, या फिर ये कह लो उसका जो मर्जी होता है वो करने वाला। तो फादर कहते हैं कि वो अपने बच्चे को प्रोडिगल भी बना देंगे, मतलब कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको जो करना है वो करे, ताकि जो बच्चा है उनका जो बेटा है वो उसके साथ अपने फादर के ही घर में रहे। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मे बी शायद जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो अलग अपनी दुनिया बना ले और अपने घर को छोड़ दे, मतलब कि अपने फादर के घर को छोड़ दे। तो जो फादर है वो ये नहीं चाहते कि उनका जो बेटा है उनके घर को छोड़ के जाए, और इसीलिए वो उसे प्रोडिगल भी बना देंगे। फिर इसके नेक्स्ट लाइन में, यानी कि आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, मतलब कि वो जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो दुख का सिचुएशन है, बट इसी सिचुएशन में से वो एक न्यू लव को, एक अच्छे बॉन्ड को जनरेट करना चाहते हैं। अब इसके बाद वाले स्टैंजा में लिखा हुआ है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो यहाँ पर फादर कहते हैं कि जो फादर है और उनके बेटे है दोनों को एक ही साथ, एक ग्लोब में, एक पृथ्वी में, एक जगह पर, एक लैंड में होना चाहिए, उन दोनों को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए और दोनों को एक साथ ही हमेशा होना चाहिए। इसके बाद जो फादर है वो कहते हैं कि उनका जो सन है, जो उनका बेटा है, वो जब भी कहता है ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ,
मतलब कि जब भी वो कुछ बोलता है तो मैं उतना तो नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उन दोनों का मेंटालिटी अलग होता है, उन दोनों का थिंकिंग अलग होता है, उनमें जनरेशन गैप हो सकता है, तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण उनको समझ में नहीं आता है उनका बेटा क्या कहता है। और फिर उसके फादर कहते हैं कि अब उसी के कारण उनको गुस्सा आता है, इसी ग्रीफ के कारण। ग्रीफ का मतलब होता है सफरिंग या फिर हार्डशिप्स। मतलब कि अगर मैं समराइज करूँ तो उनका बच्चा कुछ उनसे कहना चाहता है जिनका मतलब शायद उनके पापा को समझ में नहीं आता है, और उसी के कारण वो गुस्सा हो जाते हैं। मीन्स कि वो अपने बेटे के बात को समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण उनको दुख होता है, और उसी दुख के कारण, उसी ग्रीफ के कारण उनको गुस्सा होता है। एंड इसके बाद जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि जो फादर होते हैं एंड जो सन होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ एम्प्टी हैंड बढ़ाए। भले ही ऐसा हो सकता है कि वो बाहर से दिखाए कि वो एक दूसरे से गुस्सा है या फिर एक दूसरे से नाराज है, बट अंदर से वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं एंड वो एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। बट वही बात होता है कि दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते एंड इसीलिए वो एक दूसरे के साथ रहने का बहाना ढूंढते हैं जिनसे होगा क्या वो एक दूसरे को माफ कर सके। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, मतलब कि वो एक दूसरे को माफ तो करना चाहते हैं और इसीलिए वो बहाने ढूंढते रहते हैं जिससे वो एक दूसरे को माफ कर सके और एक साथ रह सके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पोयम। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आया है तो एक लाइक तो कर देना, एंड अगर दूसरी वीडियोस भी देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।